ध्यान से सुनना है, जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, जिसमें आर्यन रेशियो का हमने यूज किया था, उसमें कोई फार्मूला हम लोग नहीं किए थे, सब आर्यन रेशियो एक पढ़े थे और उसी से सब डिराइव्ड किए थे। सेम वही चीज़ सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग एक फार्मूला को निकालेंगे आर्यन रेशियो, उससे सारा डिराइव्ड कर लेंगे। और वो जो डिराइव करेंगे ना, उस चीज़ को आपको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहले ये समझा जाए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज जो है ये सूद, जिसको गांव में हम लोग सूद बोलते हैं। पहले तो ये समझिए कि सूद का ये हुआ कैसे, सूद क्यों लिया जाता है, ब्याज जो है इसको क्यों हम लोग लेते हैं, क्यों लेने की इसकी ज़रूरत पड़ा, कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, तभी हम लोग शुरू किए हैं। तो देखिए, ब्याज लेने का दो कंडीशन है। मान लीजिए राहुल कि आप, आपके दोस्त हैं अमित ना, अमित किधर है, गायब हो गए, अच्छा चलिए मान लीजिए अक्षय भी गायब हो गए ना, हाँ। तो मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं अमित, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या किए कि अमित से बोले कि अमित हमको 10,000 रुपया दो, ये जो भी पैसा आप मांगे, तो वो पूछेंगे आपसे कि किस लिए, तो आप बोलेंगे क्या, मान लीजिए कि हमको एक गाय खरीदना है, ठीक है, हाँ जी गाय खरीदना है, कितना रुपया लिए थे 10,000, और ये गाय खरीदेंगे और गाय का उसका दूध जो है वो बेच बेच के पैसा कमाने वाले हैं, और इनके दोस्त हैं अमित, आ जाइए अमित, आ गए नहीं, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आप लोग घूमते भी रहते हैं नहीं, बैठिए बैठ जाइए, अमित घुमाए, हाँ चलिए आगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज चल रहा है। तो राहुल क्या बोले कि हमको 10,000 अमित पैसा दीजिए, सो हम एक गाय खरीदेंगे और उस गाय का दूध बेच बेच कर हम आपको पैसा जो दिए थे उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अमित क्या किए कि दे दिए पैसा, दोस्त थे तो देंगे ही। अब हुआ क्या कि अमित अब पैसा उसको मांग नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि इनके दोस्त थे तो उनको लग रहा था खराब कि अपने से राहुल रिटर्न कर देगा, तो हाँ दोस्त देता है, ऐसे नहीं है, देता है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद राहुल जो गाय खरीदे थे वो गाय मर गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अमित करीब एक साल के बाद फिर इनसे बोले कि राहुल अब मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तो राहुल बोलते क्या है कि जो पैसा तुम दिए थे हम उससे गाय खरीदे थे, गाय तो मर गई, अब कहाँ से हम दे, अब तो अमित अब तो अमित दोस्त थे, अब कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका तो पैसा अमित का गया, तो इसी चीज़ की जो ये पैसा यहाँ लॉस हुआ ना, इस चीज़ की भरपाई के लिए हम लोग क्या जनरेशन किए कि एक सूद हम आपसे लेंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोगों को पैसा दिए हुए हैं, एक पे लॉस हो गया, बाकी से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा, ठीक है। दूसरा होता है, एक और कंडीशन है इसका सूद लेने का, इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके कारण भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अक्षय क्या है कि मार्केट गए, तो मार्केट गए तो अमित जो है, अमित उनसे ये पैसा मांगे, ठीक है, कि अमित की 1,000 रुपया दो। अमित क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे घी खरीदने, ठीक है, 1,000 का घी वो खरीदने जा रहे थे, आ जाइए। तो ये बोले कि 1,000 रुपया दो, तो बोले कि यार हम तो घी खरीदने जा रहे हैं, तो बोला कि ना दे दो ना, तू घी बाद में पीते रहना कि हमको बड़ा अर्जेंट है, ठीक है, है? अच्छा क्या करता है, चटा जाता है
ठीक है, एक चम्मच डेली पिया जाता है। तो क्या हुआ कि अमित दोस्त थे तो वो दे दिए 1,000 रुपया, ठीक है, 1,000 रुपया अक्षय को दे दिए। अब ये अमित बहुत दिनों तक इनसे पैसा मांगे नहीं, करीब करते करते 1 साल गुजर गया तब ये पैसा दिए इनको 1,000 रुपया। तो जब पैसा दिए तो अमित का फिर मन किया कि हम घी खरीदने गए। तो अब ये जब घी खरीदने 1 साल बाद गए, 1 साल बाद, तो उस घी का दाम 10% बढ़ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 का 10% कितना होता है। अब वो 100 रुपया का तो उनको अब लॉस होगा, उस समय तो घी पिए नहीं, अब पिएंगे तो 100 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस चीज़ की भरपाई करने के लिए इंटरेस्ट का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आ जाइए, हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक बार जो पैसा दिए, एक बार जो आप पैसा दिए वही पैसा हमेशा आपका प्रिंसिपल के रूप में रहेगा। 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, 3 साल छोड़िए, 10 साल छोड़िए, प्रिंसिपल आपका वही बना हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम 5,000 रुपया दिए तो हमेशा के लिए अभी 5,000 मेरा प्रिंसिपल रहेगा, हाँ ब्याज आएगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में चले जाएंगे तो वो हमेशा बदलते रहेगा, जो ब्याज आएगा वो अब सीपी बन जाएगा सर। हाँ, वो सूद का सूद होने लगेगा, और उसका भी टर्म कंडीशन होता है कि ईयरली इंटरेस्ट होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, या मंथली भी होगा, ठीक है। गांव वगैरह में जनरली क्या होता है, गांव वगैरह में वो क्या करता है, कहता है कि जाइएगा सूद लेने तो कहेगा कि 2 रुपये सैकड़ा देंगे, 100 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये का सैकड़ा देंगे, ये ऐसे बोलता है। नहीं, अभी भी मिलता है गांव में, अभी भी मिलता है, 1 लाख रुपए के नीचे में मतलब 2 रुपये मिलता है। वेट कीजिए, रुक जाइए ना, रुक जाइए, देखिए एक चीज को समझिएगा, नहीं सुनिएगा, एक चीज समझ, हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रहे हैं, हम आपको सूद लेना नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। और गांव में चले जा रहे हैं आप, अरे देखिए ना, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए क्या हम बोल रहे हैं। 2 रुपये सैकड़ा गांव में जाइएगा तो 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4-5 रुपये तक चल रहा है, 5 रुपये सैकड़ा भी चल रहा है। गांव में चले जाइएगा तो आपको 5 रुपये सैकड़ा भी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि बहुत अर्जेंट है ना तो कहेगा कि 5 रुपये सैकड़ा देंगे, सेठ जी साहूकार जिसको बोलते हैं हम लोग, फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे साहूकार का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता था। तो 5 रुपये सैकड़ा का मतलब यहाँ पे है गांव वाला कि 100 रुपया अगर हम आपको देंगे, 100 रुपया देंगे तो एक मंथ में 5 रुपया हम सूद ले लेंगे, 5 रुपया सूद ले लेंगे। अगर 100 ही रुपया दिए हैं तो 1 साल में यानी कि 12 महीने में 60 रुपया सूद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये ईयरली हो गया, ये ईयरली हो गया। इतना इंटरेस्ट अगर कोई ले इतना इंटरेस्ट पे तो कोई उसको कभी चुकता कर ही नहीं सकता है, इतना याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो गया है, ठीक है। अगर वो 1 लाख रुपया देता है तो 60,000 उसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कोई 10 लाख दे दिया तो 6 लाख उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो गांव वाला ये हो गया। लेकिन हम लोगों को जो इंटरेस्ट होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 10% पर एनम लिखते हैं ना, वार्षिक 10% पर एनम रेट, ये परसेंटेज में भी पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस में भी पढ़े थे। 10% पर एनम का मतलब है, 10% पर एनम का मतलब कि 100 रुपया अगर आप देते हैं, 100 रुपया मत बोलिए, तो आप ही आ जाइए, बोलिए हम चुप रहेंगे,
एक वर्ष में, वन ईयर में आपको 10 रुपया सूद मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ, 10% पर एनम का मतलब हुआ कि 100 रुपया देंगे तो एक साल में 10 रुपया होगा। तो अगर पूछा जाए कि 100 रुपया देते हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 100 रुपया देते हैं 3 साल में कितना हो जाएगा, 30 रुपया। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग का इंटरेस्ट हो गया, हाँ 10 साल में बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 5-6 टर्म है, उसको समझिएगा। एक तो होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूलधन, जो पैसा लिया जाए या दिया जाए, जो पैसा लिया जाए या दिया जाए उसको बोलते हैं हम लोग मूलधन, प्रिंसिपल। मान लीजिए कि हम आपसे 10,000 रुपया लिए तो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, या हम 10,000 आपको दिए तो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। एक होता है टाइम पीरियड, समय, टाइम पीरियड, जैसे 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 महीना के लिए, 10 दिन के लिए भी सूद मिलता है। ध्यान रखिएगा गांव वगैरह में 10 रुपया 10 दिन का भी वो ले लेता है हेवी अमाउंट पे। तो टाइम पीरियड हो गया। एक होता है रेट, तो रेट तो हम लोग समझ ही गए। जैसे ये लिखे 10% पर ईयर, ठीक है, 10% पर ईयर का मतलब हो गया कि 100 रुपया का एक साल में 10 रुपया सूद ले। और एक होता है इंटरेस्ट पहले समझ लेते हैं। इंटरेस्ट, जो पैसा दिए थे उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे वो हम लोग का सूद होगा, इंटरेस्ट होगा। जो पैसा दिए उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे वो हम लोग का क्या होगा, सूद होगा, इंटरेस्ट होगा। गांव वगैरह में क्या होता है कि हम पैसा दिए, मान लीजिए कि हम 20,000 रुपया दे दिए किसी किसान को, ठीक है, तो उसके बदले में वो पाड़ी भी ले लेते हैं। देखे होंगे ऐसा भी होता है गांव में कि हम 20,000 रुपया दिया, बदले में वो पाड़ी दे दीजिएगा हमको। पाड़ी समझते हैं ना, नहीं समझती है, भैंस के बच्ची, बच्ची जानती है ना, पाड़ी और पाड़ा दो होता है, काड़ी होता है, पाड़ी अक्षय को सब पता है, ठीक है, हाँ जी कोई बात नहीं, समझिए, समझिएगा। जो पैसा दिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट, सूद, साधारण ब्याज, ठीक है। और हैं भाई आएगी कहाँ से, आगे देखिए, इनको ये भी नहीं पता है, प्लस टू पास कर गई ना जी, सब पता कीजिए। आगे देखिए, एक होता है अमाउंट बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन, जो पैसा दिए और जो एक्स्ट्रा लिए उस दोनों को मिला दिया जाएगा तो वो अमाउंट बन जाता है। जो पैसा लिए या दिए वो, और जो एक्स्ट्रा लिए उसको बोलेंगे हम लोग अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पी प्लस आई, ठीक है, पी प्लस आई। अब देखिए एक चीज और बता देते हैं, बुक में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और मिले भी होंगे आपको, आप पढ़े भी हैं 8, 9, 10th में, ठीक है। लेकिन हम लोग एक भी फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले हैं, सारा का सारा आरएन रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक चार्ट बना रहे, उस चार्ट को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया प्रिंसिपल है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, 100 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। एक साल बाद हम इसको आर परसेंट पर दे रहे हैं सूद, कितने परसेंट पे, आर परसेंट। तो एक साल बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 100 रुपया जो दिए थे वो तो लेंगे ही, 100 रुपया जो दिए थे वो लेंगे और इस पे आर परसेंट इंटरेस्ट भी लेंगे,
ठीक है। तो 100 का परसेंटेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम होता है 100 पे, बताए थे ना। जैसे 100 का 10% 10 होगा, आप परसेंटेज में भी कितना है 10 ही है। 100 का 20% तो 20% होगा, या एक्चुअल वैल्यू आएंगे तो कितना होगा 20, हम लोग पढ़े थे ये। तो 8 रुपया शुद्ध मिलेगा, ये कितने साल में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में मिलेगा 8 रुपया शुद्ध, ये इंटरेस्ट हो गया यहाँ। अब जब मान लीजिए कि वो कहता है कि हम 2 साल के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, तो 2 साल के लिए छोड़िएगा, 2 साल के लिए, तो फिर क्या होगा, इस 100 रुपया पे, 100 रुपया तो ये अपना जो दिया था वो लेगा ही, इस पे 8 रुपया क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और ये 8 जो इंटरेस्ट मिला था वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे वो बढ़ेगा ना। ये 100 रुपया जो दिए थे उस पे तो 100 रुपया जो दिए थे वो लेंगे, इस पे 8% जो इंटरेस्ट था वो लेंगे, ये 8 पहले साल वाला बढ़ेगा, तो अब 2 साल का 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2R, R और R, 2R। एकदम ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि वो 3 साल के लिए छोड़ता है, तो ये जो 100 रुपया दिया था, ये 100 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा, अब प्लस इस पे 8 रुपया इंटरेस्ट भी लेगा, और ये R फॉरवर्ड होगा आगे, तो टोटल R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा 3 साल का, 3R होगा ना। इसी तरह मान लीजिए कि वो 4 साल के लिए देता है, 4 साल के लिए, तो ये 100 तो होगा ही होगा, और इस पे 8% का 8 रुपया और लेगा, और ये 8 सब बढ़ता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, तो 4 साल के लिए कितना हो गया, पूरा, समझ में आ रहा है। 1 साल का 8 हुआ, दूसरे साल का 2R हुआ, तीसरे साल का 3R हुआ, चौथे साल का 4R हुआ, अगर 5 साल के पूछा जाए 5R होगा, 6 साल का पूछा जाए, 11 साल का पूछा जाए 11R होगा, होगा कि नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनिशियल बेस जो ले रहे हैं ना, 100 पर ले रहे हैं, 100 रुपया जब होगा तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 8 रुपया, जब 100 रुपया होगा तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 2R, 100 रुपया होगा तो 3 साल में 3R, 100 रुपया होगा तो 4 साल में 4R होगा, ये क्लियर है ना। लेकिन बेस कितना हम ले रहे हैं, 100, याद कीजिए जब हम लोग प्रॉफिट लॉस भी पढ़े थे तो बेस 100 तैयार करते थे। अब देखिएगा, इससे हम आर एन रेशियो तैयार कर रहे हैं, वही सारा फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम लोग आर एन रेशियो में बनाना है उसको, ताकि क्वेश्चन का सोल्यूशन जो बहुत फास्ट निकल के आए। तो मान लीजिए अक्ष है कि मेरे पास 100 रुपया प्रिंसिपल है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, और हम आर परसेंट पे देना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए, टी समय के लिए। जब 1 साल के लिए रहता था 100 रुपया पर तो आर होता था, 2 साल के लिए रहता था तो 2R होता था, 3 साल के लिए रहता था तो 3R होता था, तो टी साल के लिए होगा तो RT होगा, यानी कि 100 रुपया पर ब्याज कितना मिलेगा, RT मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा तो उस पर ब्याज जो है सोनू RT मिलेगा। ये हम लोग का कैसा वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू है ना, एज्यूम्ड वैल्यू, ये हम लोग तो अपने तरफ से माने हैं, ऐसा प्रॉफिट लॉस में भी किए थे कि 100 रुपया प्रिंसिपल है तो इस पे ब्याज, साधारण ब्याज R × T होगा, रेट इंटू टाइम होगा। लेकिन हम लोग का तो प्रिंसिपल P होता है ना, ये क्या है, 100 प्रिंसिपल लिए थे तो प्रिंसिपल कितना होगा, P, और इंटरेस्ट कितना बोलेंगे, I, ये हम लोग का आर एन रेशियो तैयार हो गया। यही एक फॉर्मूला है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, एक ही यही फॉर्मूला है, इसी से हम लोग बार बार अगले से अगले ड्राइव करके फॉर्मूला को बनाते रहेंगे। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, प्रिंसिपल हम कितना माने हैं, 100, तो इंटरेस्ट हो जाएगा R × T, रेट इंटू टाइम, ये क्या था, प्रिंसिपल था, लेकिन ये कैसा प्रिंसिपल था, एज्यूम्ड प्रिंसिपल था, तो यहाँ पे रियल प्रिंसिपल को हम P बोले तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, I, ये एज्यूम्ड वैल्यू है और ये रियल वैल्यू है, ठीक है, मत लिखिए, वीडियो है देख लीजिएगा, वेट कीजिए।
अगला देखिएगा, समझिएगा इसको। अगला समझिएगा इसको। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस दोनों वैल्यू में, ये आपको करना नहीं है, हम दिखा रहे हैं ड्राइव करके, अगर इधर भी एक हम जोड़ दें, ऐड कर दें, और इस साइड में भी अंकित हम एक जोड़ दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। दो जोड़ दीजिए इधर भी, दो जोड़ दीजिए इधर भी, लेकिन हम जोड़ेंगे कितना? एक। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला निकाल के लाना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम दोनों तरफ एक एक जोड़ दे रहे हैं, तो i बाई p प्लस वन, और इधर हो जाएगा आर टी बाई हंड्रेड और प्लस वन। अगर अक्षय एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा i प्लस p, होगा ना? और इधर अगर एलसीएम लिया जाए तो होगा 100, और ये हो जाएगा आर टी अब प्लस का 100। अब इसको थोड़ा सा सजा के हम लिख देते हैं, यहाँ पे सजा के लिखते हैं, इसको लिखते हैं p प्लस आई, यहाँ पे लिख रहे हैं हम p प्लस आई, अब वाई का p, और इसको सजा के लिख रहे हैं 100 प्लस आर टी इक्वल्स टू 100 अब प्लस आर टी अब वाई का 100। देखिए, प्रिंसिपल और सूद को जोड़ते थे तो अमाउंट होता था, प्रिंसिपल जो पैसा दिए थे और जो सूद में मिला था, उस दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता था? अमाउंट मिलता था। यहाँ प्रिंसिपल क्या था? 100, तो 100 में हम लोग इंटरेस्ट तो जोड़े हुए, तो इधर भी क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, लेकिन इधर एज्यूम्ड अमाउंट ये है और इधर रियल वाला है, यानी कि एक और फार्मूला हम लोग के आ गया, ए पी प्लस आई जोड़ेंगे तो ए मिलेगा, अब बाई का पी इज इक्वल टू 100 प्लस आर टी अब बाई का 100, ये निकल के आ गया। ये कुछ करना नहीं, बहुत फास्ट कर लेंगे, मेन फार्मूला यही है हम लोग का। अब देखिए, इसको हटा के हम फिर से लिख रहे हैं एक बार, सब कुछ ध्यान से देखेगा। अगर अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो आर परसेंट से टी समय में इंटरेस्ट हो जाएगा आर टी, और इधर प्रिंसिपल पी है तो इंटरेस्ट क्या होगा? आई होगा। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा अब क्या है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो 100 में अगर हम लोग प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ये अमाउंट मिलेगा। तो इधर भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पी I प्लस पी बोलिए या आप A बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो ये भी आ गया, ये अब फार्मूला के तौर पे इसको मत देखिएगा, ये यहीं से डेराइव किए हुए हैं। ये प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में रेट इंटरेस्ट जोड़ दिए तो ये अमाउंट बन गया, तो इधर भी क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हम डेराइव कर रहे हैं, बार बार ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा क्या हुआ, देखिएगा। अब इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट है आई है, आई है, प्रिंसिपल है और रेट है और टाइम है, ये तो मेरा फिक्स ही रहेगा, तो बदलेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट। क्लियर है? अगर अगर हम यहां पे प्रिंसिपल और रेट, प्रिंसिपल और रेट को हम कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब फिक्स कर दें, हम क्या क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल को और रेट को हम क्या कर दे रहे हैं? कांस्टेंट कर दे रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलेंगे, यानी कि जो पैसा दिए थे वो और जो रेट था, जिस रेट पे दिए थे वो फिक्स रहेगा। अगर हम टाइम को बढ़ा देंगे, टाइम को बढ़ा देंगे, 2 साल के बजाय 4 साल 5 साल 10 साल कर दिए, टाइम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा। हा या ना? कब? जब प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाए और रेट कांस्टेंट हो जाए,
तो हम लोग का अगर टाइम आदि तो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट भी, तो बोल सकते हैं कि आई जो है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टी का, बोल सकते हैं ना। जब प्रिंसिपल और रेट कांस्टेंट हो गया तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि टाइम अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर टाइम घटेगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा। तो यहां से भी एक आर्यन रेशियो तैयार कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब इस केस में बोल सकते हैं कि आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, ये भी एक फॉर्मूला बन गया हम लोग। लेकिन इसको फॉर्मूला के तौर पे आप मत देखिएगा। कब, जब प्रिंसिपल और रेट को कांस्टेंट करेंगे तो पी जो है आई जो है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू टी वन बाई टी टू, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा वाला देखिएगा, अगर हम लोग प्रिंसिपल और टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रिंसिपल और टाइम को कांस्टेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। अब हम क्या किए, इस प्रिंसिपल को और इस टाइम को कांस्टेंट कर दिए, यानी कि जो पैसा दिए थे वो फिक्स कर दिए कि 10,000 दिए तो अब 10,000 देंगे, और टाइम जो है 5 साल के लिए दिए थे तो 5 ही साल के लिए देंगे, लेकिन रेट अब 10% था तो हम 20% कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि रेट अगर बढ़ा देंगे इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, सॉरी इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी बोल सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, क्योंकि पी और टी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया। तो यहां से भी बोल सकते हैं आर्यन रेशियो कि आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू, ये भी एक आ गया। ये सारा यूज लेंगे हम लोग, बहुत फास्ट करना है, क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये सब बनाने आना चाहिए आपको, जैसे हम कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगला अगला सुनिएगा, अगर हम रेट और टाइम इस दोनों को कांस्टेंट कर दें, रेट को भी कांस्टेंट कर दिए और टाइम को भी, यानी कि रेट फिक्स कर दिए कि हमेशा हम 10% पे लेंगे, और टाइम भी फिक्स कर दिए कि 5 साल के लिए हम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो रेट और टाइम फिक्स कर दीजिएगा आप, प्रिंसिपल मूलधन जो था उसको अगर आप बढ़ा दीजिएगा 10,000 के बजाय 50,000 कर दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि आई जो है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पी, बोल सकते हैं ना सौरभ। अब इस केस में फिर आर्यन रेशियो तैयार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू, ये भी एक आर्यन रेशियो हो गया। लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब आर और टी कांस्टेंट होगा तब ये कंडीशन बनेगा, क्लियर है यहां तक। अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, आ रहा है अमित समझ में? हाँ, अब देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, हम पी को सिर्फ कांस्टेंट कर रहे हैं, पी को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। अब डिराइव भी आप कर सकते हैं लेकिन हम समझा रहे हैं, जब सिर्फ पी को कांस्टेंट करके, यानी कि जो पैसा दिए थे वही सिर्फ फिक्स है कि 50,000 रुपया दिए थे, अब 85,000 एक रुपया ज्यादा नहीं देंगे, तो उस केस में अगर आपका रेट बढ़ा और टाइम भी बढ़ा, क्या बोल रहे हैं, रेट भी बढ़ा और टाइम भी बढ़ा, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझ में आना चाहिए, रेट को भी बढ़ा रहे हैं और टाइम दो दो चीज को बढ़ा रहे हैं। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट बहुत तेजी से भागेगा, नहीं दो दो चीज बढ़ रहा है ना, रेट भी बढ़ा रहे हैं और टाइम भी बढ़ा रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि आई जो है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट और टाइम के, बोल सकते हैं ना, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर और टी के। तो यहां से भी आर्यन रेशियो बोल सकते हैं हम लोग, आई वन बाई आई टू इक्वल्स टू
आर वन टी वन बाई आर टू टी टू, आराम से बोल सकते हैं। अभी समझ में आ रहा होगा सबको, आ रहा है ना। अब यहां से अलग अलग तरीके से बदलते रहेंगे, जैसे एक और कर देते हैं, एक और कर देते हैं, एक हम छोड़ देंगे। मान लीजिए कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को तो कांस्टेंट किए थे ही ना, रेट को कर देते हैं इस बार, रेट को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, रेट को कांस्टेंट कर देंगे। तो रेट कांस्टेंट कर दिए और हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल और टाइम दोनों को बढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल को भी बढ़ा दिए और टाइम को भी बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट काफी तेजी से भागेगा। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी और टी के। तो इस केस में भी आर एन रेशियो बोल सकते हैं कि आई वन बाई का आई टू इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू इन टू का टी वन बाई टी टू। बोल सकते हैं ना, ये सबको समझ में आ रहा है, एकदम आना चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप क्वेश्चन को फास्ट बना सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि फॉर्मूला पर ले जाके पुट कीजिए और काट कूट कीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस बार क्या कर रहे हैं हम, इस बार क्या कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपल को भी बढ़ा दिए, रेट को भी बढ़ा दिए और टाइम को भी बढ़ा दिए, तीनों का तीनों बढ़ा दिए। अब जो सूद है ना, बहुत तेजी से भागने लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल को भी बढ़ा दिए, टाइम को भी बढ़ा दिए, रेट को भी बढ़ा दिए, तो अब इंटरेस्ट तो काफी तेजी से भागेगा। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि आई जो है, आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी आर और टी के। तो उस केस में हम लोग का आर एन रेशियो हो जाएगा आई वन बाई आई टू इक्वल्स टू पी वन आर वन टी वन बाई पी टू आर टू टी टू, होगा ना, ये आर एन रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये समझ में आना चाहिए कब क्वेश्चन में कौन कांस्टेंट बोलेगा, कौन वेरिएबल बदलता रहेगा, वो चीज को समझेंगे हम लोग अच्छी तरह से। ये क्लियर है, अब आगे आइए। अगला देखिए, सब इसी से है, सब आपको अब समझ में आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम कि प्रिंसिपल को और टाइम को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल को और टाइम को कांस्टेंट, ये पहले भी किए थे, खाली लिखने का तरीका बदल जाएगा। प्रिंसिपल को और टाइम को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर का। अगर अगर हम टी में आर में कोई भी चेंजिंग करेंगे, ध्यान से देखिए, पी और टी को कांस्टेंट कर दिए, पी और टी को, तो आर में अगर कोई चेंजिंग करेंगे, कोई बदलाव करेंगे, अगर आर को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, आर को घटाएंगे तो आई भी, यानी कि कोई भी अगर चेंज करेंगे आर में तो इधर भी हम लोग को चेंज दिखेगा, यानी कि चेंज का मतलब डेल से दिखाते थे, तो डेल आर टी बाई का 100, ये डेल समझ में आता है ना, ये प्रॉफिट लॉस में बताए थे चेंज है, तो वो चेंज कहाँ दिखेगा, आई में, डेल आई बाई का पी, ये बोल सकते हैं ना। अब उसी तरह बारी बारी से तीनों को हम लोग कर सकते हैं, एक और करके दिखाते हैं हम। अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल और किसमें रेट, ये दोनों को हम लोग कांस्टेंट बोल दिए, कांस्टेंट बोल दिए, दोनों को कांस्टेंट बोल दिए, तो अगर टी में कोई भी चेंजिंग आएगा, इस टी में कोई भी चेंज करेंगे, टाइम में कोई भी बढ़ाए या घटाए, तो इसका असर जो है, प्रभाव जो है कहाँ पड़ेगा, इंटरेस्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, लेकिन हमको तो चेंज देखना है, तो हम बोल सकते हैं कि आर इंटू डेल टी, टाइम में चेंज किए अब बाई का 100, तो इधर भी चेंज दिखा देगा डेल आई बाई का
ये समझ में सबको आ रहा है? किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। चलिए एक चीज और देखिएगा, जैसे एक साल के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए एक साल के लिए 10% की बात करते हैं, तब तो सिंगल 10% ही होगा, ठीक है। लेकिन हम दूसरे साल की जब बात करेंगे दो साल के लिए, तो 10% और 10% दो बार बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, 10 + 10 + 10 × 10/100, ये कितना परसेंट आया था? 21%। इसको याद रखना है आपको, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत फास्ट करना है कि देखते के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये सारी जो बात बता रहे हैं इसको याद रखना होगा आपके दिमाग में। तो ये तो कई एक बार कर लिए हैं, ये दो तीन ही वैल्यू है, एक 5% रहता है, एक 10% रहता है और एक 20% रहता है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो एक साल दो साल डायरेक्ट कर देंगे। अगर तीन साल की बात किया जाए, तीन साल के लिए, थ्री ईयर के लिए, तो पहले 2 × 10 = 10 का करेंगे, तो 2 × 10 = 10 के तो कर चुके हैं 21, तो अगला होगा 21 + 10 + 21 × 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 31, और ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2.1, 2 रुपया 10 पैसा, आ इधर है 31 रुपया, तो 33.1%। ये भी याद रखना है कि 10% का एक साल के लिए होगा तो 10, दो साल के लिए होगा 21%, तीन साल के लिए होगा तो 33.1 होगा। अब एक और देख लेते हैं, ये रेयर में आता है, चार साल के लिए, तो चार साल के लिए हम लोग होगा तो क्या करते हैं, 10% 10% 10% 10%, चार बार होगा तो दो दो को कंबाइन कर देते हैं, तो 10% 10% तो 21% था, और फिर इधर भी 10% 10% 21%, 42 नहीं होगा टोटल। तो देखिए 21 + 21 + 21 × 21/100। हाँ हाँ, 10 + 10 3 बार नहीं कर सकते? नहीं, तीन बार नहीं करेंगे, दो ही बार करेंगे, हाँ वो अगला को कंबाइंड करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये देखिए दो को कंबाइंड कर दिए, 10 10 वाला को 21 हो गया, फिर 10 10 वाला को 21 हो गया, अब 21 × 21/100, तो 21 21, तो ये 42 हो जाएगा। आइए 21 का स्क्वायर है 441, ये आता है 441, अब बाई का 100 ना, तो ये हो जाएगा 4.41, 4 रुपया 41 पैसा, 42 रुपया इधर, तो ये हो जाएगा 46 रुपया 41 पैसा, इतना परसेंट। ये चारों को आपको याद रखना है कि एक साल के लिए 10% पे 10 होगा, दो साल के लिए 10% पे 21 होगा, तीन साल के लिए 10% पे 33.1 होगा, और चार साल के लिए 10% पे 46.41 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए कितना टाइम हो गया, आज इतना ही रहने दीजिए, आइए कल तो इसके क्वेश्चन करवाएंगे।